Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we'll discuss what do you mean by trial balance या how it is prepared a trial balance. आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है. तो बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस का यहाँ पर अभी आप लोगों को हम समझाएं लिखवाए हैं कि ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं है. और ये बेसिकली जो अलग अलग मतलब रिकॉर्डिंग बिजनेस के बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग किए हैं, और ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो सभी प्रकार के मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं. उन रिकॉर्डिंग के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाइंग करते हैं, जिसको हम लोग लेजर कहते हैं. तो जितने भी लेजर बैलेंसेज हैं उन सभी लेजर बैलेंसेजों के बेसिस पर ही ट्रायल बैलेंस तैयार की जाती है. ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए बेसिकली जो मेथड का यूज किया गया है वो तीन मेथड का यूज किया गया है. उसमें सबसे पहला मेथड जो जिसको कि हम लोग साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं कि बैलेंस मेथड, टोटल मेथड एंड मिक्स मेथड. बैलेंस मेथड कहता है कि जो भी आप लेजर प्रिपेयर किए हैं उन लेजर के बेसिस पर आपको देखना पड़ेगा कि उस लेजर में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है. बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसेस. बैलेंस दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो डेबिट बैलेंस होते हैं और दूसरा क्रेडिट बैलेंस होते हैं. तो डेबिट बैलेंस का मतलब है, सिंपल डिफिनेशन कहता है कि व्हेन एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इट इज़ कॉल्ड डेबिट बैलेंस. यानी डेबिट बैलेंस वो बैलेंस होगा जब लेजर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके डेबिट साइड क्या हो, कम हो, सॉरी ज़्यादा हो, और क्रेडिट साइड क्या हो, कम हो. यानी ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स. सभी प्रकार के अकाउंट को दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें या दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कह सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो होता है या लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं. तो इस तरह से जिसका हम लेजर प्रिपेयर किए हैं उसको देखना पड़ता है कि वो डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है. अगर डेबिट ज़्यादा है इट मीन्स डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट ज़्यादा है तो इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस होगा तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी अमाउंट का दो कॉलम होता है, एक अमाउंट डेबिट का, दूसरा अमाउंट क्रेडिट का. डेबिट का अमाउंट जो होता है उसमें डेबिट बैलेंस को शो करते हैं, और क्रेडिट का जो अमाउंट होता है उसमें क्रेडिट बैलेंस को शो करते हैं. इस तरह से जब लास्ट में उसको हम लोग इक्वल करते हैं तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बोथ आर इक्वल. यही पहचान है कि आप जो बिजनेस के बुक्स में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए उसको रिकॉर्ड करने से आपका ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल आ गया तो इट मींस क्या कि आपका रिकॉर्डिंग सही है, आपका क्लासिफाइंग सही है. क्योंकि अकाउंटिंग का डिफिनेशन ही था कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग. रिकॉर्डिंग मींस जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग मींस लेजर, और समराइजिंग मींस क्या, ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस जब आप प्रिपेयर करते हो, समराइज्ड करते हो, तो जितने भी बैलेंस ऑफ अकाउंट है उन सभी बैलेंस ऑफ अकाउंट को डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में पुट करेंगे, और क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में पुट करेंगे. इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा. तो जब इस बैलेंस के बेसिस पर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो उसको हम लोग बैलेंस मेथड कहते हैं, जो कि साइंटिफिक मेथड भी है. दूसरा आपका यहां पर आ जाएगा टोटल मेथड. टोटल मेथड कहता है कि टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. मतलब इसके लिए कोई भी बैलेंस फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है. यानी जितना टोटल डेबिट में अमाउंट है उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रखेंगे, और जितना भी क्रेडिट का होगा उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रखेंगे. इस तरह से भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका इक्वल आ जाएगा. तो इस मेथड को हम लोग टोटल मेथड कहते हैं. और मिक्स मेथड जो तीसरा मेथड है वो दोनों को लेकर के एक साथ बनता है. यानी दो अमाउंट का कॉलम होगा बैलेंस मेथड के लिए और दो अमाउंट का कॉलम होगा ये टोटल मेथड के लिए. तो इस तरह से जब मिक्स मेथड के द्वारा हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें उसका कॉलम जो है अमाउंट का चार कॉलम होता है. अदरवाइज जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है उसी तरह से ट्रायल बैलेंस का भी फॉर्मेट होता है. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू इतना के लिए.